राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मैं तो रवि को समझा समझा कर थक गई, कभी वक्त पे घर आता ही नहीं। ओफो मम्मी, अभी इतनी देर कहाँ हुई है? आ जाएंगे भैया। इतनी जल्दी कैसे आएंगे इनके लाडले? सारे शहर की जिम्मेदारी उस बेचारे अकेले के सर के ऊपर है। जब तक उन जिम्मेदारियों से निपट नहीं लेंगे घर आएंगे कैसे? जब आप उसकी उम्र के थे तब देर नहीं करते थे आप? अरे देर न तब करता था ना, आप करने की मजाल है। ड्यूटी खत्म करके सीधे ही घर वापस लौटता हूँ। माफ करना, शादी के बाद तो चाबी के गुच्छे की तरह बांध के रख लिया तुमने मुझको पल्लू से। अगर ऐसी ही बात है तो उसे भी किसी के पल्लू से बंधवाइए ना, देर से आना छोड़ देगा। हेलो हेलो अंकल, आप ज्योति को बुला देंगे प्लीज? हाँ हाँ जरूर बुला देंगे, लेकिन तुम कौन हो? राधा तारा सुलक्षणा जयप्रदा, कौन हो तुम? मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। ओहो हो, श्रीदेवी बोल रही हैं? अरे वही छोटी बदन की मोटी काली कलोटी, माँ कैसी है तुम्हारी? मम्मी मम्मी तो ठीक है अंकल, लेकिन आप मम्मी को कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारी मम्मी को इतने करीब से जानता हूँ कि तुम्हारा बाप भी उतना नहीं जानता होगा। अच्छा ठहरो ठहरो, मैं बुलाता हूँ ज्योति को। ज्योति बेटी, तुम्हारा फोन है। मेरे लिए फोन डैडी? हाँ। हेलो श्रीदेवी, हाउ आर यू? कोई श्रीदेवी नहीं बोल रहा है, मैं रवि बोल रहा हूँ। ज्योति भैया, तुम? पापा बोल रहे थे किसी श्रीदेवी का फोन है। अच्छा अच्छा, वो सब ठीक है। पहले ये बता, तेरी कोई सहेली का नाम श्रीदेवी है? हाँ बिल्कुल है। उसकी माँ कौन है? तुम्हें उसे मतलब? मुझे उससे कोई मतलब नहीं ज्योति, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बब्बर शेर का श्रीदेवी की माँ के साथ संबंध जरूर है। हो सकता है, पापा कह रहे थे कि जवानी में उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अरे सुन रहे हो ना भैया, लाइन कटने लगी थी। चिल्ला क्यों रही है? अगर माँ ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा ये बता, बब्बर शेर साहब अपने पिंजरे में बंद है या नीचे जंगल, मेरा मतलब है हॉल में टहल रहे हैं? नहीं, खूब डट कर खाना खाया, 5-6 बार शेर की तरह घुर रहा है और फिर फाइल लेकर ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि नीचे का मैदान साफ है, खाली है। देखो ज्योति, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। मगर मेरे आने से पहले बब्बर शेर नीचे तो नहीं आएगा ना? तुम आ जाओ ना, पर जरा जल्दी आना। माँ ने आज तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, खिचड़ी पुलाव बनाया है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी भैया। वाह, ये तो सुनकर मेरे मुंह से पानी टपकने लगा है। देखो ज्योति, मैं अभी आता हूँ। ओके बाय। आज मैं इसकी चिकन बिरयानी नहीं मटन कोरमा बनाऊंगा। अरे आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं? गुड, वेरी गुड। ज्योति, वो बब्बर शेर साहब सो गए क्या? अरे नहीं भी सोए तो क्या, कौन डरता है उनसे? उनके दांतों में इतनी ताकत कहां कि ये फौलादी गोश्त चबा सके। उनकी बत्ती सी मकई के दानों की तरह उखड़कर गिर जाएगी। मां, अगर वो शेर है तो मैं शेर का बेटा हूं। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड इवनिंग डैडी। आप अभी तक सोए नहीं? कैसे सो जाते, अभी तो अपने हाथों से तुमको चिकन बिरयानी और वो मटन कोरमा, खिचड़ी पुलाव, वो सब खिलाना बाकी है ना? खिचड़ी पुलाव? जी। I'm sorry dad, इसका मतलब फोन पर आप बोल रहे थे? बोल रहा था नहीं, मैं बोल रही थी। वो जो टेलीफोन पर आप समझ रहे थे कि आपकी छोटी बहन है, वो आपकी बहन नहीं थी, वो मैं था। आप थे? जी हाँ। Fantastic dad, you're great dad. Dad, नहीं, dad, एक बात कहूं, अगर आप कलेक्टर की जगह फिल्म एक्टर होते ना तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज के भजिए बिकवाते। स्टॉप दिस नॉनसेंस, मस्का मत लगाओ मुझको, भजिए बिकवा देते। मैं पहले तुम्हारे पिकौड़े तो तल लूं अच्छी तरह से। इधर आओ मेरे सामने। ये बताओ मुझे, रामप्रसाद क्या जो झगड़ा हो रहा था उसमें टांग अड़ाने के लिए तुम क्यों गए थे? वो रामप्रसाद अंकल का लड़का है ना? हाँ। वो मेरा दोस्त है। कई गुंडे उसके पिताजी को मार रहे थे और मारते ही जा रहे थे, मेरी खोपड़ी घूम गई और मैं टूट पड़ा। तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारा बाप इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, कानून का एक अफसर है, और कानून के एक अफसर होने की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी मेरे सारे परिवार पर आयद होती है, तुम पर आयद होती है। और जब तुम उस कानून को अपने हाथ में लेते हो तो उस कानून को तोड़ते हो तुम। आप मुझे गलत समझ रहे हैं डैडी,
मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम जो कहते हो ना उस पर नहीं, जो तुम लोग करते हो उस पर एतराज है। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो रवि। चाहे कोई भी हो, वो रईस हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई गुंडा हो, तुम हो या मैं हूं, जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। जिन कामों से मैं तुम्हें मना करता हूं उनके न करने में तुम्हारा फायदा है, और उनके करने में तुम्हारा इतना भयंकर नुकसान हो सकता है कि जिंदगी भर उसका उपाय नहीं। ये मेरा मशवरा नहीं है बेटे, ये मेरी चेतावनी। हाँ, क्यों महाशय? ये बाहर सब नाटक तमाशा किस लिए हो रहा? नाटक तमाशा नहीं साहेब, हम इलाके का लीडर हूँ। हमारा नाम है भूषण नाथ बड़बोले। हमने छोकरे लोग को बिना कोई गलती, बिना कोई मिस्टेक के उठाई के अंदर पटक दिया है। वो बेचारे पीरेस में अखबार खरीदने को गए थे, वहाँ क्रिकेट बॉल की तरह उनकी पिटाई कर डाली। हम ये जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने को आया हूँ। तुम्हारे इस चेहरे से साफ जाहिर होता है कि लीडर नहीं, किराए के टट्टू हो तुम। हाँ? किराए के टट्टू। और बाहर ये जो जिंदा मुर्दाबाद का तमाशा हो रहा है, ये तुम्हारा पेशा है, इसी की रोटियां खाते हो तुम। तुम्हारे लड़के उस प्रेस में अखबार खरीदने नहीं गए थे, उस अखबार के एडिटर के खिलाफ दंगा करने गए थे। इसलिए कि वो एडिटर शहर के लुच्चे, बदमाश, सब गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ बेधड़क लिखता है। अरे तो लिखता होगा, हमसे क्या लेना देना है? हम तो बहुत शरीफ आदमी हूं। और हम कहां है मालूम? RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूं। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूं। कोई मामूली आदमी नहीं हूं। और तुम जानते हो मैं कौन हूं? अरे कलेक्टर और का हूं? हमारे जितने पोर्टफोलियो थोड़े ना है तुम्हारे पास। इस जिले का हर दरख्त, हर खेत, हर रास्ता सड़क पर चलता फिरता हर आदमी, तुम जैसा हर उठाई घीरा मेरे पोर्टफोलियो में है, समझे? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करा के और तुमको उसी लॉकअप में बंद करा दूं जिसमें तुम्हारे ये चेले हैं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। यह बात मेरे उसूल के खिलाफ है। अलबत्ता मैं तुमको एक मशवरा देता हूं कि नौटंकी जो तुम अपने साथ लेकर आए हो यहां बाहर, उसे समेट कर तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और इसका दो लफ्जों में मुझे जवाब दो, जाते हो या नहीं। मुड़े क्यों? मैं आपको नमस्कार करना भूल गया था। कि मैं अंदर आ सकता हूं? शुक्रिया शुक्रिया। बोलो क्या बात है? मेरी विनती तो सिर्फ ये है कि वो जो आपने मेरी दुकानें बंद कराने का नोटिस भेज दिया है ना, उसे बदल कर मेरी दुकानें ना बंद कराने की मेरी अर्जी जो है वो पास करवा दीजिए, बाकी हम आपस में पटा लेंगे। मतलब? मतलब ये कि मैं आपकी कलम में स्याही भर दूंगा, आप कागज पर दस्तखत कर दीजिए और मैं उस कागज पर वजन रख दूंगा। वजन? अरे ऐसा वजन दिखाऊंगा कलेक्टर साहब कि आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए देखिए, देख रहे ना आप? देखिए। आपने सोच में डाल दिया का नहीं लाल जी? हाँ देखिए। इस वजन को तो तोलना पड़ेगा। मैं जाके इसके लिए खास तराजू लेकर आता हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से मैं तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अरे साहब, लेकिन मैंने आपको रिश्वत दी कब है? हैं? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपको रिश्वत दी है? वो रुपए जो उस टेबल पे रखे हैं वो तुम्हारे हैं या नहीं? अरे बिल्कुल नहीं कलेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो तो मैंने यस मिस्टर चंद्रशेखर, चीफ मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ में कलेक्ट्रेट की तरफ से ये रुपया जमा करा दे। ओके सिंगो नाउ, थैंक यू। अरे कलेक्टर साहब, मेरे 50,000 रुपए। ये तो तुम्हारे नहीं है भाई, यह है? नहीं, ये 50,000 रुपए तो चले गए, लेकिन मेरी हथकड़ी तो खोल दीजिए।
ये मैं नहीं खोल सकता। तुम एक काम करो, कोई 150 रुपए लेकर किसी लोहार के पास जाओ और उससे हथकड़ी जो है तोड़वा लो। हथकड़ी तोड़वाने के लिए कलेक्टर साहब, मैं लोहार के पास जाऊंगा तो लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत बचाइए कलेक्टर साहब, मेरी इज्जत बचाइए, ये हथकड़ी खुलवाइए, खुलवाइए, मर जाऊंगा। आज के लिए हम तुम्हारी उस इज्जत पे पर्दा डालेंगे, लेकिन आइंदा के लिए ये सबक याद रखना। नाउ गेट आउट, गेट आउट। क्या देख रहे हो? जहां हम होंगे वहां एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर केवल हम विराजमान रहेंगे। ये कुर्सी बड़ी विचित्र है, कोई भरोसा नहीं ये कब उलट जाए और कब पटखनी खाकर तुम दूर जा पड़ो। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूर से बात करो, ऊपर कहां चढ़े चले आ रहे हो? पहले बताओ तुम अखबार वालों को उल्टा सीधा जवाब क्यों दिया था? अखबार वालों से मैंने जो भी कहा है वो सच्चाई और कानून के दायरे के अंदर की बात थी। दायरा वायरा हम कुछ नहीं जानते, आज के बाद हमसे जो बात करना वो हमारी हाँ में हाँ मिला के करना बस। पिछले दिनों हम पद यात्रा में पैदल गए थे आगरा, तू आगे कलेक्टर से हम कहा कि का जमुना के किनारे बेफजूल में ताजमहल खड़ा किया हुआ बहुत गंदा दिखता है, इसको धक्का मार के शहर में पहुंचा दो, जमुना नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। उसने कहा साहब हो जाएगा। उसके बाद हम देहरादून गए, हुमा के कलेक्टर से कहा अरे काहे को बेफजूल में ये बासमती चावल उगाते, कौन साला खाता है इसको, अरे तमाकू उगाओ, बीड़ी सिगरेट बच्चा लोग पिएगा, सरकार को भी 4 पैसे का फायदा होएगा। उसने कहा साहब हो जाएगा, तो वो सब तो हम यहां में हां मिलाते हैं और एक तुम हो हर बात में नाना करते रहते हो। हिंदुस्तान में हजारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप लोगों और कलेक्टरों की हाजी नाजी से हुआ करेगा? तो फिर कैसे होगा? खेतों में बासमती चावल उगाया जाएगा, तंबाकू उगाया जाएगा, इसका ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं करूंगा, वो तो किसान ही करेगा। लेकिन ये जमुना के किनारे से ताजमहल को उठाकर ठीक आगरे के बीच में लगा देने का ख्याल जो है, ये आपके रोशन दिमाग में आया कैसे, समझ में नहीं आया? बस आ गया ऐसे ही। माफ करना मंत्री महोदय, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है और ना आप इतने बेवकूफ हैं, ना ही वो कलेक्टर इतना बेवकूफ हो सकता है जो आपकी हां में हां मिलाता है। अरे हम दुनिया को भाषण देते हैं तो फिर उल्टा हमको भाषण देने लगे? देखो हमसे नहीं उलझना, हमने दिमाग का टेम्परेचर बहुत खराब है, हम तुमको ऐसे करके नौकरी से उड़ा दूंगा। हाँ भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं, इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या मैं महामंत्री बन सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं मौसमी टिड्डों की तरह, आते जाते हैं। माफ करना बुरा मत मानना, अगर सियासत का ये चोला उतार कर तुम कलेक्टरेट के दफ्तर में आओगे तो तुमको तो वहां चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हम खाली पीली इस सोएबे शेर को पत्थर मार के जगा दिया, कहीं राजनीति के मैदान में आ गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देगा तो हमरी का भी साथ है। ये बताओ तुम स्टे ऑर्डर को ठोकर मार के ये कन्हैयालाल की बिल्डिंग काहे गिरा दिया? मुझे कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। अरे मिलता कैसे, जबकि स्टे ऑर्डर तो मेरे हाथ में था और फिर तुमने अपने बेटे को भिजवा कर मुझे एयरपोर्ट से अगवा करवा लिया और फिर उसने मुझे वो वंदे मातरम प्रेस में ले जाकर मेरी ऐसी गत बनवाई और मुझे कैद करवा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे बेटे ने खुद मुझे कहा था और मैंने अपने कानों से सुना था कि मकान के गिरने तक मुझे कैद में रखा जाएगा और तुम्हारे बेटे ने मुझे कैद में रखा था। तुम्हारे मकान के गिरने से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक? अरे तुम क्या समझते हो हम इतने गधे हैं? हम नहीं समझते कि बाप बेटे की मिली भगत है? जगत प्रताप तुम अपने अधिकार का बहुत गलत फायदा उठाया। अपने अधिकार का मैंने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया और जहां तक इनका ताल्लुक है मैं कह चुका हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमको मालूम है कि नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं मालूम है, हम खाली इतना जानते हैं
कि तुम कसूरवार हो और कसूरवार को अपने किए की सजा मिल के रहेगी। तुमने इतनी चालाकी से सांप मारा कि लाठी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे तुम जैसे मनमानी करने वाले ऑफिसर तो देश के माथे पर कलंक है। वो कितना शरीफ और महान इंसान है तुमको मालूम है? तुम ऐसे शरीफ इंसान का घर गिरा दिया वो भी अपने बेटे के हाथ। मेरे बेटे का नाम डालो ये सब बात गलत है। गलत है? तुम हियां का दलील पेश कर रहे हो। जाके अपने बेटे से पूछो, जाओ पूछो, हिम्मत है? खड़े खड़े हियां दलील पेश करता है? अरे हमको भी मालूम है तुम जैसे आदमी का घर कैसे बर्बाद किया जाता है। जाओ। जी हाँ मैंने किया। आप ही ने तो कहा था डैडी कि सच्चाई और इंसाफ के बीच एक सीधी बालसी भी बारीक लकीर है। जब मैंने देखा कि वो बेईमान लोग एक गलत मकसद के लिए उस लकीर को पार कर रहे हैं तो तंग आकर मैंने भी उस लकीर को पार किया। लेकिन उस लकीर को पार करने की जरूरत? अगर मैं वो लकीर पार नहीं करता डैडी तो आप उस पाप के घर को गिरा सकते थे? उस बिल्डिंग को गिराना क्या इंसाफ नहीं है? अगर आपका कानून इंसाफ के रास्ते रोकने की कोशिश करता है तो फिर क्या जरूरत है ऐसे कानून की? जिस मकसद को मैं इंसाफ मानता हूं डैडी, मैंने उसी को जीत दिलाई है। तुम्हारी ये जीत मेरे लिए एक शर्मनाक हार साबित हुई रवि। एक जलील और नीच आदमी के सामने मुझे अपने उठे हुए सर को झुकाना पड़ा। अपनी जहरीली जबान से मुझ पर वो अंगारे बरसाता रहा और मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। मुझ पर इल्जाम है कि तुमने कन्हैया लाल का अगवा जो किया, उसको औरतों के कपड़े पहनाकर तुमने जो जलील किया, उसके स्टे ऑर्डर को जो तुमने फाड़ा, वो मेरी मर्जी से किया सब। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से वो मुझे तुम्हारे इस जुर्म में बराबर का शरीक समझते हैं। अगर वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं डैडी तो उनसे कह दीजिए कि वो साबित कर दे कि मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है। कोई जरूरी नहीं है। एक कलेक्टर की हैसियत से मैं खुद तुम्हें मुजरिम करार दे सकता हूं। तुम्हारा मकसद चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारा तरीकाकार बिल्कुल गलत है। तुमने कन्हैया लाल का एयरपोर्ट से अगवा नहीं किया? जी नहीं, वो मैं नहीं था। तुमने कोर्ट का स्टे ऑर्डर उससे छीन कर फाड़ नहीं दिया? जी नहीं, मैंने नहीं फाड़ा। रवि, तुमने कब्जा कन्हैया लाल को जबरदस्ती औरतों के कपड़े पहनाए, उसको साड़ी पहनाई, उसके हाथों में तुमने चूड़ियां पहनाई, उसको जलील नहीं किया तुमने? जी नहीं डैडी, वो मैं नहीं था। समझ गया मैं, खूब चालाक हो गए हो तुम रवि। लेकिन ये खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो ये हजारों साल पुराना खेल है और इस खेल में एक से एक चालाक और खतरनाक आदमी भरे पड़े हैं इस दुनिया में जो खेल खेल में सामने वाले की जान तक निकाल लेते हैं लेकिन आखिरकार खुद अपने ही जाल में उलझ कर खत्म हो जाते हैं वो। मेरी चेतावनी है बेटे, तुम इस खेल से दूर रहो। इस पाप सागर में भला के शातिर और जहीन इंसान ही बच सकते हैं, वो होते बहुत कम है। जैसे कि बेकरार समंदर में नमक, नमक जो पानी को खारा तो कर देता है लेकिन खुद अपना वजूद खो देता है, उसका नामो निशान तक मिट जाता है। इसलिए रवि मेरी बात सुनो, जिंदगी का रास्ता चाहे कितना ही दुश्वार सही, कठिन सही, मंजिल दूर सही, लेकिन नेक इंसान जो है वो सीधी राह चलेगा क्योंकि यही है इंसानियत का सिद्धांत। मम्मी थोड़ा सा खाना खा लो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। क्यों इतनी जिद करती हो मम्मी? हाँ मैं जिद करती हूँ, मैं जिद्दी हूँ। औरत जिद के सिवा और कर ही क्या सकती है? मर्द अपनी जिद से औरत को तड़पा तड़पा कर मार सकता है, औरत सिर्फ मरना जानती है। हर घड़ी मैं यही सोचती हूँ कि मेरे रवि ने कुछ खाया होगा या नहीं, और यही सोच सोच कर मेरी अंतड़ियां खिंचती रहती हैं। इस हालत में मैं कैसे कुछ खाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं मर नहीं जाऊंगी। क्यों ऐसी बातें करती हो मम्मी? नहीं चाहिए मम्मी। अरे बाप रे, इनका तो खून बह रहा है। ज्योति तुम जल्दी से जाके पिताजी को फोन करो। हाँ। फौरन। लक्ष्मी सीढ़ियों पर से गिर? हाँ पापा। घबरा मत, मैं डॉक्टर को साथ लेके आऊंगा।
लक्ष्मी रवि लक्ष्मी रवि कौन? मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि भैया, भैया फोन नहीं रखना, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। मम्मी 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 रवि भैया का फोन है। रवि से बात करो। माँ तुम ठीक हो ना? माँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। ये बता तू कैसा है, कहाँ से बोल रहा है तू? बहुत दूर से बोल रहा हूँ माँ। तेरे बिना मुझसे जिया नहीं जाता बेटे, एक बार आके मुझे अपनी सूरत दिखा जा। मुझे क्या पता नहीं है माँ कि तू मुझे देखना चाहती है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब होना है मुझे। डैडी के सामने मैं अपना सर ऊंचा करके आऊंगा माँ। हाँ लेकिन तू कब आएगा बेटा? जल्दी आऊंगा माँ, बहुत जल्द सीधा तेरे पास ही आऊंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करना होगा माँ। बोल कैसा वादा? देख माँ, जब तक तेरा रवि तेरे पास वापस नहीं आ जाता, तू अपनी सेहत को संभाल के रख। मैं अपनी माँ को सेहतमंद और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। अगर मुझे तेरी तबीयत खराब लगी मां, तू कमजोर और बीमार दिखाई दी मुझे, तो तेरी कसम मां मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटे, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मगर तू भी अपना ख्याल रखना, जल्दी वापस आना बेटे। हाँ मां मैं जल्दी आऊंगा। घर में ज्योति डैडी सब ठीक है? सब ठीक है, सब तेरे आने की राह देख रहे हैं। मैं आऊंगा माँ, जल्दी आऊंगा। हाँ ज्योति, तेरा भैया जल्दी आएगा। तेरे पापा कहाँ हैं? इतने दिनों के बाद आज उसकी आवाज सुनी। सुनिए अभी अभी रवि का फोन आया था, मैंने कहा था ना कि वो 1 अप्रैल को मुझे कभी नहीं भूल सकता, और आपने भी ठीक कहा था, वो आपके सामने इज्जत और गौरव के साथ आना चाहता है। जब मैंने कहा तब तुम्हें यकीन नहीं आया, लेकिन बेटे की आवाज सुनते ही फौरन मान गई। हाँ मेरे बारे में भी कुछ पूछा उसने? हाँ आपके बारे में बार बार पूछ रहा था। बार बार पूछ रहा था? क्यों नहीं पूछेगा, क्या आपसे वो प्यार नहीं करता? तो चलो इस बात पे खाना हो जाए। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बेटे की आवाज सुनते ही जो भूख मर गई थी ना, वो फिर से जिंदा हो गई। हमेशा मुझे मना करते थे, आज आपने भी कानून को अपने हाथों में ले लिया। ठीक कहते हो रवि, कानून और इंसाफ इंसानों के लिए बना है, लेकिन ये सब दरिंदे हैं, इनका फैसला सिर्फ बारूद की गोली ही करेगी।
कर दीजिए सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज कलेक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इन सबको गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। रवि, आज तक हम बाप बेटों के रास्ते अलग अलग थे, उसूल अपने अपने थे, कानून अपना अपना था, लेकिन ये कानून और इंसाफ का संगम है जिस पे हम तुम आज मिल रहे हैं। मुझे आज तुम पे फख्र है रवि, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस।